अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 29 नवंबर 2024। आज की आवेदन स्थिति को देखने वाले हैं और आपके लिए एक गुड न्यूज रख दें। अब दोस्तों, जो हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो दिसंबर महीने में होगी, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपके लिए बचा नहीं है, बस ये महीना लगभग समाप्ति की ओर है। 29 आज है, कल 30 होगी। जी हाँ, नवंबर का महीना समाप्त। तो एक लंबे समय से आप इंतज़ार भी करें, सोचिए 25 अक्टूबर लास्ट डेट थी जब आप कंप्लीट सबमिट रजिस्ट्रेशन जो भी था वो कर सकते थे, डीएलएड का आवेदन या जो भी कहिए। 25 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ, एक महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, आपकी स्टेट रैंक नहीं आ पाई। स्टेट रैंक ना आने की वजह क्या थी ये आप नहीं जानेंगे तो फिर परेशान होंगे। देखिए, बहुत से बच्चों को वजह तक नहीं पता है। वजह ये है कि 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको लगता है कि ग्रेजुएशन के बेस पर ही डीएलएड में एडमिशन होना चाहिए, और जो बच्चे भी 12वीं पास हैं उनको लगता है कि नहीं, 12वीं के बाद सीधे मौका मिल जाना चाहिए। तो अब भाई, जो ग्रेजुएशन में 3-4 साल बच्चे लगा दिए हैं, लाखों रुपये खर्च किए हैं, वो क्यों चाहेंगे कि 12वीं बाद छात्रों को मौका मिले, ठीक है। और ग्रेजुएशन करके आएंगे तो आपको 6-8 ये वैकेंसी में भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद यहाँ पर कन्फ्यूजन रहेगी, लेकिन 1-5 में क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1-5 भी है, दोनों है, ठीक है। तो अभी आप लोग के सारे कमेंट का आंसर इस वीडियो में किया जाएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर अभी तक आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े ना, जी हाँ, व्हाट्सएप का जो चैनल का लिंक दिया गया उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, आप तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा चैनल ज्वाइन कर रखे होंगे, लेकिन डीएलएड से संबंधित जो भी जानकारी होगी, डीएलएड से लेकर नौकरी तक, ठीक है, आपका स्टेप वन है डीएलएड और स्टेप लास्ट है नौकरी, ठीक है, नौकरी तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। जुड़िए हमारे साथ जल्दी से। बाकी देखिए, पहला कमेंट देखते हैं इस वीडियो में, और न्यूज़पेपर की पहले कटिंग्स देख लें। कुछ अपडेट क्या है, हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाइए, क्या खिलाड़ियों को भी ऐसे करते हैं प्रोत्साहित। देश के लिए स्वर्ण जीतने वाली महिला खिलाड़ी नौकरी के लिए दर दर भटकी। देख सकते हैं आप लोग, नौकरी के दोस्तों जब बात आती है ना तो भाई आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, अब तक इंतजार, अगले साल भर्तियों की भरमार। जी हाँ, 2025 में खुशखबरी आपको मिल सकती है, लंबित परीक्षाओं के साथ नई भर्तियों के लिए भी जारी होंगे विज्ञापन। आयोग पर आंदोलन के कारण जमा नहीं हो सके आवेदन, बढ़ाई तिथि। सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी राजू नैन की तलाश है, जमानत के बाद नहीं चल रहा है पता, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, जल्द आ सकता है CHSL भर्ती का परिणाम, ठीक है। तो ये सारी अपडेट्स थी न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो जब बात आती है नौकरी की ना, तो नौकरी सबको करना है, बस समय से नौकरी मिल जाए। सर, 2023 में SC कैटेगरी की मेरिट 193 थी सहारनपुर में, मेरे 211, एडमिशन हो जाएगा क्या सरकारी में। देखिए, ये बात हमने पहले भी क्लियर कर रखा है सभी बच्चों को, कि जो डायट कॉलेज की लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो इस ईयर जाए ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश के हर एक डायट कॉलेज की, यूपी के हर एक डायट कॉलेज की कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। इसका प्रूफ या इसका सबूत आप जो भी कहिए यहाँ आपके सामने, ये एज अ प्रूफ रख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इस बच्चे को कोई कॉलेज नहीं मिला जनरल कैटेगरी में, 232 नंबर थे बच्चे के, लेकिन देखिए जनरल कैटेगरी में कहीं पर 6686 रैंक तक मौका मिला, कहीं 6826, कहीं 1693 ही रैंक में सीटें फुल हो गई। अब बताइए, अगर किसी बच्चे की रैंक 1694 थी, ठीक है, 94, और उस बच्चे ने सिर्फ इस कॉलेज का विकल्प दिया होता, ये थर्ड वाला, बाकी 15 ना देता, तो उसको तो कहीं पर सरकारी कॉलेज ना मिलता, ठीक है, वो एक कॉलेज वाला नहीं मिला। लेकिन वही बच्चा अगर पहले इसमें डालता है 1694 रैंक, इसमें भी हो जाता, इसमें भी हो जाता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें भी होता, इसमें, इसमें, सब में हो जाता, बस एक में ना होता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि हर एक डायट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अगला कमेंट देखते हैं, सर अगर फॉर्म में मिस्टेक हो गया है तो क्या करें। देखें, फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई मेजर बड़ी गलती हो गई है, ठीक है, तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो डायट हो, डायट वाले तो वैसे गलती जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन एडमिशन से पहले, काउंसलिंग से पहले, जी हाँ, काउंसलिंग से पहले अगर आपने एक बार 10,000 की पेमेंट कर दी, बाद में आपके कॉलेज वाले नहीं माने,
तो 10,000 रुपये आपका डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि कतार में लंबी लिस्ट रहती है, बहुत से बच्चे खड़े रहते हैं, तो ध्यान दीजिए, समय रहते ही सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा। अगर आज आप चेक कर लीजिए क्या आपको देखना है, जो आपने फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर रखा होगा, देखिए ये वाला फॉर्म भरते समय अगर आपने इसका प्रिंट निकाला है, डीएलएड प्रशिक्षण 2024 रजिस्ट्रेशन विवरण, एक बार इसको हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सारी डिटेल्स मैच करा लीजिएगा। आपका नाम, माता जी के नाम, पिताजी का नाम, और याद रखिए कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और गलती से आपने ईडब्ल्यूएस कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती, एससी कैटेगरी कर दिया बहुत बड़ी गलती, एसटी कर दिया बहुत बड़ी गलती, हर चीज बहुत बड़ी गलती। अगर मान लीजिए आप एससी कैटेगरी के छात्र हैं, गलती से आपने ओबीसी कर दिया, ये भी बहुत बड़ी गलती है, तो आप गलती नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कैटेगरी वाली गलती भी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होती है। चलिए अगला कमेंट देखते हैं, कब तक आएगा रैंक? जल्दी आपको रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, 17-0 तो नहीं होगा ना? देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, सब कुछ हो गया, तो आप 17-0 होने की बात कहाँ से आ सकती है। हाँ, अगर आपका अभी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही शुरू ना होती तो एक बार आप कहते तो बात मानी जा सकती थी कि 17-0 होगा। क्या बीएड में 6 to 8 to 10th होता है? देखिए, 6 से 8 की वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट करेंगे, 9 से 10 टीजीटी वैकेंसी, ये दो वैकेंसी रहेगी बीएड करके, इसको जूनियर कह सकते हैं, इसको टीजीटी वाली वैकेंसी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहा, तो आपका बीएड करना ही बेकार हो जाएगा। सर, मेरा 228+ है, क्या वाराणसी डायरेक्ट मिल सकता है? देखिए, ये नंबर थोड़ा कम है, अब कैटेगरी आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी। सर, मैं जिला अयोध्या से हूँ, एससी कैटेगरी 225, ये कैटेगरी एससी इंपॉर्टेंट है ना, इस वजह से आपको पूरा चांस मिल जाना चाहिए। सर, हमेशा देश की कानून व्यवस्था तो आपको पता ही है, ग्रेजुएशन वर्सेस 12th का फैसला इतनी जल्दी कैसे होगा? देखिए, फैसला की बात नहीं, कम से कम स्टे ऑर्डर भी मिल जाए ताकि ये आगे का प्रोसेस शुरू हो जाए। जी हाँ, वो तो हमें पता है कि डबल बेंच में अगर कोई मामला जाएगा, अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे तो एक लंबे दौर में केस फाइनल होगा। ठीक है, तो इतना समय तो नहीं लगना चाहिए, अगर इतना समय लगेगा तब तो फिर कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। थैंक यू सर, आपका वेलकम है। स्टेट रैंक कब तक आएगा? बहुत ही जल्दी आपको इसको लेकर खुशखबरी मिलेगी, स्टेट रैंक देख सकते हैं। सेम कमेंट, सर पीएससी में 190 रैंक है, क्या डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा सेकंड राउंड में? पीएच वालों को डायरेक्ट सीट भरने का ऑप्शन आता है कि नहीं? बिल्कुल आपको मौका मिलेगा पीएच कैटेगरी में, लेकिन याद रखिएगा आपकी रैंक क्या बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रैंक क्या सबसे बड़ी दिक्कत पता है, रैंक को लेकर हो जाती है। अब मान लीजिए आपकी रैंक 1 to 240 में 2,40,000, रैंक 1 से लेकर 2,40,000 में रैंक आपकी नहीं आती, अब बताइए आप तो काउंसलिंग से ही बाहर है, ये दिक्कत है ना। सर, मेरा नंबर 228 है, क्या सरकारी स्कूल मिलेगा? देखिए, आप ओबीसी कैटेगरी से होंगे यादव जी हैं, तो फिर ओबीसी में 228 ना, देखिए क्या होता है, किस्मत रही अगर आपके डैड की कट ऑफ कम गई तो फायदा होगा। सर, मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन में भी संस्कृत नहीं है, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, इसमें भी सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है? देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको पहले सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। पहले में आपको संस्कृत मिलेगा, सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिलेगा इंग्लिश, ठीक है, फिर थर्ड में आपको मिलेगा संस्कृत, चौथे में मिलेगा इंग्लिश। आप संस्कृत के बदले आप चाहे तो उर्दू भी ले सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन रहता है, संस्कृत लीजिए या उर्दू लीजिए। अब जिनको उर्दू आती है ना, वो तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि उर्दू तो भाई समझ में नहीं आएगा आपको। सर, मेरा 228 ओबीसी, ठीक है, नंबर अच्छे हैं। सर, दिसंबर में आ जाएगी ना स्टेट रैंक? जी हाँ, पूरी उम्मीद है कि इस साल 2024 के खत्म होने से पहले आपका एडमिशन आपके कॉलेज में हो जाएगा। 12 दिसंबर से दोस्तों आपकी पहली क्लास स्टार्ट होने वाली थी, फर्स्ट क्लास, जो कि अब असंभव सा लग रहा है। रजिस्ट्रेशन ये दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, एक चीज कंप्लीट हुआ है, अब आपकी स्टेट रैंक आएगी सेकेंड स्टेप में, ठीक है। उसके बाद आपको 5,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग करने के लिए, जो चॉइस फिल दिख के आ रहा है। आप जितने भी कॉलेज का मन करें, जैसे देखिए इस बच्चे ने 15 कॉलेज का नाम दिया था, 1 2 3 4 यहाँ 15 दिख रहा है ना, 15 में से इस बच्चे को सेकंड कॉलेज मिल गया, तो यहाँ पर देखिए लिखा है ना चॉइस नंबर सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से इस बच्चे को कॉलेज मिला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो नंबर दिख रहा है ना, ये जनरल की मेरिट है, और यहाँ पर आरक्षित वर्ग में, तो इस बच्चे को और कहाँ पर मिल सकता था ये भी आप ध्यान दीजिए, 19,560। अब बताइए 19,560 से ज़्यादा रैंक कहीं पर गई है आपको? ये देखिए ये वाला, अगर इस कॉलेज में बच्चे का एडमिशन ना होता तो इस वाले में होते, ये वाला 13 नंबर, यहाँ पर इनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आप जानिए अभी से, ठीक है, आगे चलकर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई आपको नहीं होगा कहेगा अरे आपके साथ धोखा हो गया,
लाइन सब, इन्हें सब कुछ जानना चाहिए। स्टेट रैंक रिजल्ट पिछले साल 2023 का आप देख सकते हैं। जल्दी दोस्तों 2024 की कुछ खबरी आपको मिलेगी, थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, जल्दी ऑफिशियल डेट का ऐलान हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीएनपी भी चाहती हूँ कि जल्द से जल्द एडमिशन हो, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है ना उनको भी तो पैसा लेना है यार। ठीक है, सबकी ईएमआई रहती है, कॉलेज को भी पैसा आगे पेमेंट करना रहता है। इतनी बच्चे हैं, एक कॉलेज में 100 सीटें होती है प्राइवेट की, और 41,000 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, 41,000 में 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 4,10,000 और 41,00,000, मतलब 41,00,000 की पेमेंट कॉलेज को डायरेक्ट मिलेगी। उसके बाद जो आगे छोटा मोटा पैसा आपको देते रहेंगे अलग है। कोर्ट वर्सेस सरकार, कौन पावरफुल है भाई? कोर्ट। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षक बनने के लिए आप डीएलएड करिए 1-5, फिर सीटेट या यूपीटेट का एग्जाम देंगे, उसके बाद सुपरटेट में आएंगे। लेकिन सुपरटेट का एग्जाम आप तभी दे पाएंगे जब आपका कंप्लीट डीएलएड कंप्लीट होगा। जैसे हमने आपको बोला ना, ग्रेजुएशन का जब तक फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आपका नहीं आता तब तक आप डीएलएड में आवेदन नहीं कर पाते, वैसे ही सुपरटेट में भी होता है। डायट कॉलेज की कट ऑफ 230 प्लस जनरल में, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225 प्लस, एससी में 215 प्लस, बाकी में 200 प्लस। ठीक है, बाकी आपकी रैंक 1 से लेकर 2,40,000 में आनी चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये काउंसलिंग के बाद होगा, फॉर्म में गलती होगी सुधारा नहीं जा सकता है। चलिए दोस्तों, डेट क्या एक्सटेंड होगी इतने वीडियो के अंत में, देखिए जब तक स्टेट रैंक आपकी नहीं आती तब तक एक आप उम्मीद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।